Hello friends, this is Rajat here from 4D Education Hub. In this video, I am going to discuss with you an article of the Hindu. This article is regarding MGNREGS. Its full form is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. तो इस स्कीम के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इस आर्टिकल में. ड्यूरिंग दिस कोरोना क्राइसिस ये स्कीम कैसे हेल्पफुल रही है और क्या प्रोविजंस इस स्कीम में होने चाहिए, इसके बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं. तो आर्टिकल को पहले डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या है ये स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम क्या है और इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो पता रहेगा तभी आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा. तो ये जो स्कीम है अंडर इंडियन लेबर लॉ, एक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है ये, जिसमें गवर्नमेंट गारंटी करती है कि लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको वो वर्क प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो कैसे गारंटी करती है गवर्नमेंट, ये कहती है लोगों से कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, फैमिली में कोई भी कमाने वाला नहीं है किसी फैमिली में, तो उस फैमिली के किसी भी अडल्ट मेंबर को गवर्नमेंट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की गारंटी देती है. मतलब गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपके घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं है, तो आपके घर में कोई भी अनस्किल्ड लेबर है, कोई भी अनस्किल्ड पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, तो हम उसको 100 दिन के लिए कुछ ना कुछ काम देंगे और उसके लिए एक मिनिमम वेज डिसाइड की गई है, कम से कम इतना वेज, तो इतना सैलरी उनको मिलेगा 100 दिन का. ठीक है, और अगर गवर्नमेंट विद इन 15 डेज, अगर आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के विद इन 15 डेज गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दे पाती है, तो उसमें फिर प्रोविजन है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है, तो गवर्नमेंट को कुछ वेज, मिनिमम एक वेज डिसाइड की गई है कि अगर जॉब नहीं दे पा रही है तो उतना वेज देना कंपलसरी है गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी देने की ये स्कीम है. अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या की पॉइंट्स हैं, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स इस आर्टिकल में थे वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले की पॉइंट्स पे आते हैं. इसमें देखो, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि मनरेगा में इस साल ड्यू टू कोरोना क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे मनरेगा हेल्पफुल था काफ़ी लोगों के लिए. तो एक डेटा दिया हुआ है कि 8.4 लाख पीपल हैव बेनिफिटेड इन लास्ट 2 मंथ्स एंड दे हैव क्लेम्ड 80 आउट ऑफ 100 डेज लिमिट. मतलब 100 दिन की लिमिट होती है कि 100 दिन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देगी, उसमें से 80 डेज के लिए एवरेज अगर देखा जाए तो 80 डेज का लोगों ने एम्प्लॉयमेंट का जो फायदा है वो उठाया. ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में फिर दिया हुआ है कि मनरेगा की डिमांड इस साल काफ़ी बढ़ी है, ट्रिपल हो गई है. पिछले साल जितने लोगों ने इसका बेनिफिट लिया था उससे 3 गुना लोगों ने अभी 2 महीने में इसका बेनिफिट लिया है. ठीक है, फिर थोड़ा सा बात की गई है लोगों, जो लेबर्स हैं उनका क्या प्लाइट था, उनका क्या डिस्ट्रेस था, उनका क्या दुख था, पेन था, इसके बारे में बात की गई कि लेबर्स माइग्रेट हुए, सबने अपना जॉब छोड़ दिया. तो उसके बारे में बात की गई है कि जिन लोगों ने अपना जॉब छोड़ के रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, सिटी से वापस गांव में माइग्रेशन हुआ है, तो इसको बोला जाता है रिवर्स माइग्रेशन. तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, इसमें लोगों के पास जॉब नहीं था, तो मनरेगा स्कीम एक बहुत ही रिलीफ लेके आई लोगों के लिए कि जिनके पास जॉब नहीं था उन्होंने मनरेगा में अप्लाई किया और एटलीस्ट उनको 100 डेज की सैलरी और जॉब मिला ताकि वो सर्वाइव कर पाए. ठीक है, फिर मनरेगा अगर कोविड नहीं भी था, जैसे कोरोना की जो क्राइसिस है इसमें तो फायदा मिला ही है, बट इसके अलावा भी मनरेगा की तारीफ की गई है कि एक बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि जैसे इंडिया में बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और एग्रीकल्चर जो है वो थ्राइव होना डिपेंड करता है रेन्स पे. तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेन्स सही नहीं होती हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान होता है. तो क्रॉप फेलियर और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है एग्रेरियन क्राइसिस, मतलब क्राइसिस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो ऐसी जब क्राइसिस आती है तब भी मनरेगा बहुत काम करती है, जो फार्मर्स हैं जिनका पूरा क्रॉप्स खराब हो जाता है उन लोग फिर सर्वाइवल के लिए मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में एक डिमांड रखी है ऑथर ने ये डिमांड किया है कि सिंस अभी कोरोना से रिलेटेड जो क्राइसिस चल रही है ये काफ़ी लंबी खिंचेगी,
तो हो सकता है काफी समय तक लेबर्स को जॉब ना मिले। तो इसलिए डिमांड ये रखी गई है कि जो 100 डेज का लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए ताकि लोग 100 दिन जिनका कंप्लीट हो गया उसके बाद भी लोग मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट सर्च कर सकें, अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकें। ठीक है, ये डिमांड रखी गई है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स थे जिसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड आया था डिस्ट्रेस, आर्टिकल में एक वर्ड आप पढ़ेंगे तो मिलेगा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स एक्सट्रीम एंग्जाइटी, सौरो या पे दुख दर्द, बहुत ज्यादा दर्द है। तो ये लेबर्स के लिए यूज किया गया था, लेबर्स जो माइग्रेट हुए उनके लिए। फिर दिया हुआ है रिकोर्स, रिकोर्स मतलब अ सोर्स ऑफ हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मनरेगा के बारे में बोला जा रहा था, मनरेगा इज अ रिकोर्स कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, वहां मनरेगा एक हेल्प की तरह उभर के आया है। डिस्टिट्यूशन वर्ड यूज किया गया था, डिस्टिट्यूशन मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, जब आप सर्वाइव करने के लिए भी आप मुश्किल है, दैट इज डिस्टिट्यूशन। देन क्रॉप के बारे में बात की गई थी, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप मतलब ऐसी क्रॉप जो मानसून पे डिपेंडेंट रहती है, जैसे राइस, मेज, कॉटन, ये खरीफ क्रॉप होती है। देन एक वर्ड यूज हुआ है रोबस्ट, रोबस्ट मीन स्ट्रॉन्ग, जो इजीली डैमेज या इजीली अफेक्ट नहीं होता है, तो दैट इज रोबस्ट। जैसे इकोनॉमी रोबस्ट है, अगर इकोनॉमी रोबस्ट है मतलब क्राइसिस वगैरह कुछ भी आए तो इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ऐसा। सर्ज, सर्ज एक वर्ड यूज किया गया, सर्जिंग, सर्जिंग मीन्स कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, दैट इज सर्जिंग। देन देयर इज अ वर्ड इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। देन एक वर्ड था फॉल बैक, फॉल बैक करना मतलब रिट्रीट करना, वापिस आना, जैसे आर्मी हैज फॉलन, हैज फॉल बैक, तो आर्मी फॉल बैक कर रही है मतलब वापिस आ रही है। देन एक वर्ड है कंस्ट्रेनिंग, कंस्ट्रेनिंग मीन्स किसी भी चीज को कंस्ट्रेन करना, मतलब उसके स्कोप को लिमिट कर देना, उसकी एक्टिविटी स्कोप को सीवियरली रिस्ट्रिक्ट कर देना। देन था एलिविएटिंग, जनरली पेन के लिए यूज होता है, एलिविएटिंग पेन, एलिविएटिंग डिस्कम्फर्ट, मतलब कोई भी चीज, कोई गलत चीज या कोई ऐसा पेन डिस्कम्फर्ट है तो उसको कम करना, उसको लेस सीवियर, बहुत सीवियर है तो उसको कम करना है, एलिविएट। देन जैसे मैंने बताया एग्रेरियन, तो एग्रेरियन मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू लैंड। ऑलराइट,